सुप्रभात बच्चों, कक्षा पहली विषय हिंदी पाठ दो उपविषय अ चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग व्याख्यान संख्या एक। तो बच्चों आज हम सीखेंगे चंद्रबिंदु। देखिए अ में ये क्या लगा हुआ है पता है आपको? देखिए मालूम है क्या है ये? इसे हम कहते हैं चंद्रबिंदु। और आज हम क्या सीखेंगे? चंद्रबिंदु का प्रयोग। ठीक है, देखिए ये चांद के आकार का बना हुआ है और इसमें एक बिंदु भी लगी हुई है, तो इसे हम क्या कह रहे हैं? चंद्रबिंदु। देखिए चांद बना हुआ है ना, और फिर चांद में बिंदी लगा दी गई है, तो इसे हम अब क्या कह रहे हैं? चंद्रबिंदु। ठीक है बेटा, और ये हमेशा शब्द के ऊपर ही लगेगा। ठीक है, यानी कि व्यंजन के ऊपर लगेगा। देखिए यहाँ पे भी अ के ऊपर लगा है ना, तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। चलिए चंद्रबिंदु के बारे में और भी कुछ जानते हैं। ठीक है, देखिए बेटा चंद्रबिंदु की मात्रा को हम अनुनासिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुनासिक। लेकिन आपको चंद्रबिंदु ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए चंद्रबिंदु का उच्चारण करते समय नाक मुंह दोनों से आवाज आएगी। देखिए नाक और मुंह दोनों से ही आवाज आएगी। ठीक है, तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। ये चांद के आकार का है और इसमें बिंदु लगी हुई है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं? चंद्रबिंदु। और आज हम क्या सीखेंगे? चंद्रबिंदु की मात्रा का प्रयोग। आपको मैंने बताया कि चंद्रबिंदु को हम अनुनासिक भी कहते हैं, और चंद्रबिंदु का उच्चारण करते समय नाक और मुंह दोनों से आवाज आएगी। ठीक है, इसका उच्चारण कैसे करेंगे हम पता है आपको? चा। ठीक है, आ की आवाज आएगी। ठीक है, किसकी आवाज आएगी? आ की। चलिए देखिए कैसे। चलिए बच्चों अब हम चंद्रबिंदु का प्रयोग सीखते हैं। देखिए अ में चंद्रबिंदु अगर लगा दें तो कैसे पढ़ेंगे? आ में चंद्रबिंदु लगा दे तो ओ में चंद्रबिंदु लगाएं तो कैसे पढ़ेंगे बताइए? और ये बड़ा ऊ है ना, बड़े ऊ में चंद्रबिंदु की मात्रा लगाएंगे तो अब देखिए क में आ की मात्रा भी है और हमें चंद्रबिंदु भी लगाना है, तो कैसे पढ़ेंगे? चा में चंद्रबिंदु लगाकर कैसे पढ़ेंगे? चा। सा में भी आ की मात्रा है और चंद्रबिंदु है, तो कैसे पढ़ेंगे आप? सा। मा में भी आ की मात्रा है और चंद्रबिंदु भी है, तो आप कैसे पढ़ेंगे? मा। मा हम बोलते हैं ना, देखिए लिखा हुआ है मा। आ की मात्रा भी आएगी मा में और चंद्रबिंदु भी लगेगा। ठीक है, अब देखिए प में आ की मात्रा भी है और चंद्रबिंदु भी, लगाकर कैसे पढ़ेंगे? पा। भ में आ की मात्रा और चंद्रबिंदु, कैसे पढ़ेंगे? भा। अब अगर बड़े ऊ की मात्रा आ जाए, देखिए यहाँ मैंने ब में बड़े ऊ की मात्रा लगाई है ना और चंद्रबिंदु भी है, तो कैसे पढ़ेंगे? बू। कैसे पढ़ेंगे? बू। आपकी ऊ की मात्रा भी आएगी और चंद्रबिंदु की भी आवाज आएगी। ऐसे स में देखिए बड़े ऊ की मात्रा भी है और चंद्रबिंदु भी हमें लगाना है, तो कैसे पढ़ेंगे?
सूं। ऐसे देखिए प में बड़े ओ की मात्रा भी है और चंद्र बिंदु भी है, तो कैसे पढ़ेंगे? पूं। देखा बेटा कितनी आसानी से आपने पढ़ लिया। अभी हमने स्वरों में भी लगाकर देखा चंद्र बिंदु को और व्यंजनों में मात्रा के साथ उसे लगाकर पढ़ा। अब चलिए हम करते हैं आज का कक्षा कार्य। और कक्षा कार्य में चंद्र बिंदु को और अच्छी तरह से समझते हैं, ठीक है? चलिए तो बेटा सबसे पहले हम बनाएंगे तीन लाइन का फॉर्मेट। आपको पहले दिनांक लिखना है और एक लाइन छोड़कर दिनांक डालनी है। बीच में आज क्या लिखेंगे? पाठ दो, और उसके नीचे लिखेंगे अ और चंद्रबिंदु की मात्रा लगाएंगे, और ये चंद्रबिंदु भी लिखेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे भी मैंने चंद्रबिंदु लिख दिया है ताकि आपको याद रहे कि ये क्या है, चंद्रबिंदु। यहाँ आपको दिन डालना है आज का, और एक लाइन छोड़कर आप लिखेंगे कक्षा कार्य, ठीक है? चलिए तो आपको ध्यान रखना है कि ये क्या है, ये है चंद्रबिंदु। और चंद्रबिंदु क्यों कहते हैं हम? क्योंकि ये चांद की तरह से होता है और इसमें बिंदु भी होते, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, चंद्रबिंदु, ठीक है? चलिए अगर आ में चंद्रबिंदु लगा दें तो क्या बन जाएगा, बताइए? आ, है ना? ये देखिए, और शिरोरेखा इस मात्रा के ऊपर लगाना है आपको, ठीक है बेटा? ये नहीं कि आ के ऊपर लगा दिए, नहीं, इस आ की मात्रा के ऊपर लगाएंगे, ठीक है? अब ऊ, ऊ के ऊपर चंद्रबिंदु लगा लेते हैं तो क्या पढ़ेंगे? ऊ। बड़े ओ के साथ अगर चंद्रबिंदु लगाएं तो क्या पढ़ेंगे, बताइए? ऐसे ही हम अगर व्यंजनों के साथ इसे लगाएं तो कामी आ की मात्रा भी लगा दें और चंद्रबिंदु भी लगा दें तो क्या पढ़ेंगे? अभी बताया ना मैंने, का। द में आ की मात्रा भी लगा दें और चंद्रबिंदु भी लगा दें तो क्या पढ़ेंगे हम, बताइए? दा। ये देखिए आ की मात्रा के ऊपर ही लगाएंगे आप, ठीक है? देखिए च में आ की मात्रा है और चंद्रबिंदु भी लगाना है तो चा। स में आ की मात्रा है और चंद्रबिंदु भी आपको लगाकर पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, सा। चलिए बेटा अब हम एक बार इनसे बने हुए कुछ शब्द बनाते हैं, ठीक है? कि बेटा मैंने दिया है कि चित्र पहचान कर शब्द बनाइए। चित्र आपको पहचानने हैं और फिर इन्हें जोड़कर शब्द बना देना है। देखिए पहला चित्र किसका है? मम्मी हाथ में पहनती हैं। क्या पहनती मम्मी हाथ में? अंगूठी। देखिए अंगूठी कैसे लिखेंगे? अ चंद्रबिंदु
ग में बड़े उ की मात्रा, ठ में बड़ी की मात्रा। अब इसे जोड़कर लिखेंगे, लिखिए मेरे साथ। सबसे पहले क्या लिखेंगे, अ, और अ के ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे आप, ठीक है। ग, ग में बड़े उ की मात्रा, ठ, ठ में बड़ी की मात्रा, और ऊपर शिरोरेखा। क्या बन गया, अंगूठी। क्या बन गया, अंगूठी। अब इस चित्र को तो पहचान लिया होगा, क्या है ये पता है आपको, चांद। अब चांद कैसे लिखते हैं, देखिए च में आ की मात्रा और ये चंद्र बिंदु और ये द। अब इसे जोड़कर लिखिए, आपको पता चल जाएगा चांद कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम च में आ की मात्रा लगाएंगे और आ की मात्रा के ऊपर ही आपको चंद्र बिंदु लगाना है, ठीक है। फिर आप लिख देंगे द और ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया, चांद, ठीक है। देखिए कितना आसान है। अब ये क्या है, आंख। अब आंख कैसे लिखेंगे, देखिए पहले हम लिखेंगे आ और आ में चंद्र बिंदु लगाएंगे। बताया ना मैंने, आ की मात्रा के ऊपर लगाना है आपको चंद्र बिंदु, और फिर लिखेंगे ख और ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया, आंख। देखिए हमने चित्र पहचान का शब्द लिख लिया ना, अंगूठी, चांद, आंख। आप देख रहे हैं जब हम इसका उच्चारण कर रहे हैं तो नाक और मुंह दोनों से आवाज आ रही है, ठीक है बेटा। चलिए आगे करते हैं। अब इस चित्र को देखिए, क्या है ये पता है आपको बेटा, ये सफेद सफेद हमारे मुंह के अंदर है, क्या है, दांत। देखिए दांत कैसे लिखते हैं, सबसे पहले क्या लिखेंगे, द में आ की मात्रा और आ की मात्रा के ऊपर चंद्र बिंदु, ठीक है। फिर त और ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया, दांत। और ये क्या है, ये है सांप। अब सांप कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, स में आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, प और शिरोरेखा, सांप। अच्छा ये क्या है, पहचाना आपने, ये है बेटा कुआं, क्या है ये, कुआं। अब देखिए क में छोटे उ की मात्रा, कु, आ में चंद्र बिंदु लगाएंगे तब बन जाएगा हमारा कुआं। लिखिए क में छोटे उ की मात्रा, कु, आ में चंद्र बिंदु लगाना है, क्या बन गया, कुआं, ठीक है। अब इस चित्र को पहचानिए, क्या है ये देखिए, आ चंद्र बिंदु व ला, आंवला लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, आ ऊपर चंद्र बिंदु व ला में आ की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया, आंवला। और ये क्या है, बांसुरी, क्या है ये, बांसुरी। अब देखिए कैसे लिखेंगे, बा में आ की मात्रा है ना, तो हम क्या पढ़ेंगे, बा ऊपर चंद्र बिंदु लगाएंगे, सु री। चलिए लिखिए, बा में आ की मात्रा ऊपर चंद्र बिंदु, स में
छोटे ऊ की मात्रा, सु र में बड़ी की मात्रा और ऊपर शिरोरेखा, क्या बन गया? देखिए पढ़िए शब्द, बांसुरी। तो देखा कितनी आसानी से हमने इसको पढ़ लिया है ना, और लिख लिया। तो बेटा जब आप ध्यान से करेंगे, समझ के करेंगे, तो आप किसी भी चित्र को देखकर तुरंत पहचान जाएंगे और आप उस शब्द को लिख लेंगे। ठीक है, अब आज का गृह कार्य। प्यारे बच्चों, आज मैंने गृह कार्य दिया है आपको कि दिए गए शब्दों को देखकर लिखो। देखिए मैंने यहाँ कुछ शब्द दिए हैं, आपको क्या करना है, सुंदर सा फॉर्मेट बनाकर इन्हें लिखना है। ठीक है, लेकिन पढ़ पढ़ करके लिखना है। ठीक है बेटा, देखिए पहला शब्द क्या दिया है, गांव। दूसरा सांच। तीसरा कांप। चौथा पांव। पांचवा मांग। छठा शब्द देखिए, कांटा। सातवा तांगा। आठवा माँ। नौवा दा या। अब देखिए या में पीछे आ की मात्रा के ऊपर चंद्रबिंदु लगाए ना, बा या। लंगड़ा। अब अगला शब्द देखिए, बंगला। तो बेटा आपको इन शब्दों को पढ़ पढ़ कर सुंदर लेख में फॉर्मेट बनाकर, ये देखिए इस प्रकार से फॉर्मेट बनाइएगा। पहले दिनांक, एक लाइन छोड़कर दिनांक लिखिएगा। पाठ दो, एक लाइन छोड़कर चंद्रबिंदु। ठीक है, यहाँ पे दिन, नीचे गृह कार्य और फिर शब्द लिखिएगा। ठीक है, और उसे पढ़ पढ़ के लिखिएगा। ठीक है बेटा, अब चलिए चंद्रबिंदु की मात्रा से बनी इस छोटी की सी कविता को गुनगुनाते हैं। ठीक है, चलिए। नदी किनारे गांव है, पेड़ों की ठंडी छांव है, चारों तरफ हरियाली है, सबके चेहरे पर लाली है, आंगन में आंवले का पेड़ लगा है, उसके नीचे भैया खड़ा है। चलिए फिर से दोहराइए। नदी किनारे गांव है, पेड़ों की ठंडी छांव है, चारों तरफ हरियाली है, सबके चेहरे पर लाली है, आंगन में आंवले का पेड़ लगा है, उसके नीचे भैया खड़ा है। तो कैसी लगी आपको कविता? बेटा ये आपको मैंने अलग से सिखाई है। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है, तो आप इसे वीडियो में देखकर याद कर सकते हैं। और देखिए इसमें चंद्रबिंदु के मात्रा के शब्द भी आए हैं, है ना? तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।